वचन पढ़ेंगे बस। फिलिप्पियों 4:4, हाँ तो 4:4 से प्रभु में सदा आनंद करो। मैं फिर कहता हूं, नहीं सॉरी, 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु नेड़े। ऐसे क्यों परमेश्वर ने अपने वचन में हमें कहा कि प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो तो कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता मतलब हाँ, क्योंकि जब दुख किसी के ऊपर होता है ना तो उसके चेहरे से पता चलता है। हाँ, जब बंदा परेशान होता है तो उसके चेहरे से पता चलता है ये कितना परेशान है। कहता है तेरी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट है। क्या हो तेरी कोमलता? जब दुख किसी के जीवन में होता है तो उसके चेहरे से पता चलता है। पर मैंने इन चीजों पर फतेह पाई है, जीत प्राप्त की। किसके वचन से? मैंने इन चीजों पर फतेह मतलब जीत प्राप्त की। मैं इसी पुरपुट में कई बार ऐसी हालत में आया, अगर मेरी जगह कोई और होता, बोलने की तो दूर की बात है, अपने सिर पे पट्टी बांधकर चार पाई पे हाय करता हूं। और इस हालत में मैं इसी पुरपुट खड़े होके मैंने लोगों से प्रचार किया और बताया, प्रेयर हीलिंग की वचन किया, लोग चंगे हुए अपनी इन्हीं हालत पर। समझते हो? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। और जब किसी को थोड़ा सा बुखार आ जाता ना, उसका चेहरा देखो। क्या देखो? उसका चेहरा देखो। और खास करके जब कोई परमेश्वर का काम होता है, मैं बिद के, जैसे पंजाबी है ना, बिद के, कैसे, जब कोई परमेश्वर का काम है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं बिद के उस चीज को करता हूं। क्या करता हूं? मुझे आज भी याद है, जब मैंने सेवा शुरू की तो मैंने किसी से मिलने जाना था, और उसी सुबह जब मैं उठा तो मेरा पेट में इन्फेक्शन हो गई और लूज मोशन हो गई। क्या हो गए? बुखार है तो बंदा चले जाएगा, पेट में दर्द है विश्वास के साथ चलेगा। अगर लूज मोशन हो गए तो कैसे जाएगा? अगर वो 10-10 मिनट 5-5 मिनट बाद वो जा रहा है, किसी की हिम्मत पड़ेगी? वो सोचेगा यार उठोगे हाँ हाँ, कैसे जाएंगे? 10-10 मिनट बाद वो उसे फिर जाना पड़ रहा है तो कैसे हिम्मत करेगा? यार जे रास्ते में कुछ हो गया, कहां से पानी, कपड़े खराब हो रहे, ये बेइज्जती वाली बात है, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, उन्हें फोन कर दो, आज नहीं जाना। पर मैंने ऐसा नहीं किया, बोलो, क्योंकि मेरी बात, मेरी चीज है कि जब मैं किसी चीज को अपने मन में ठान लेता हूं, मैं उसे पूरा करता हूं, कुछ भी हो जाए। मैंने जिस बात को अपने मन में ठान लिया कि ये मैंने करना है, फिर कुछ भी हो उसे मैं करता ही करता हूं। ये मेरी आदत है, आदत भी, और खुदा पर मेरा ये अटल विश्वास भी। समझते हो? लूज मोशन की हालत में लोग वैसे घरों में बैठे रहते, कोई काम नहीं उन्हें, तो कहां से खुशी, कहां से जीवन, कहां से ब्लेसिंग मिलेगी? प्राइस आप कूलर का दे रहे हो, एसी की हवा चाहते हो। आप अपने जीवन को पहले चेक करो, आप क्या प्राइस दे रहे हो परमेश्वर? हाँ, ठंडी हवा चाहते हो, पर अपने जीवन से प्राइस क्या दे रहे हो परमेश्वर को? प्राइस समझते हो ना? अपने जीवन से परमेश्वर को क्या दे रहे हो? समझते हो? और मैंने इस हालत में भी, बोलो क्या है, मैंने इस हालत में भी मैं गया विश्वास के साथ गया। और जब मैं गया और घर वालों ने मेरे सामने चाय लेकर रख दी, आपको पता, जब किसी को जिसका पेट में इन्फेक्शन है उसे ऐसी हालत हो, कभी भी चाय नहीं पीता, क्योंकि जैसे ही वो चाय पिएगा वो तुरंत उसे क्या करना पड़ेगा,
और मैंने संदेह नहीं किया। जैसे बाइबल में लिखा, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, और ऐसा मनुष्य जेना समझे कि मेरे से उसे कुछ मिलेगा। समझ आ रही? तो मैंने वो चाय लेकर आ गया और मैंने धन्यवाद किया और मैंने पी ली। क्या किया? मैंने धन्यवाद किया और उस चाय को पी लिया। कुछ नहीं होने दिया परमेश्वर। फिर 2 घंटे लगे और वो खाना लेकर आई, तो खाने में वो रोटी लेकर आई। तो मैं जानता, हम जानते हैं कि जब किसी के साथ ऐसी उसकी हालत है तो उसे खिचड़ी देते हैं, दही खिचड़ी या कुछ और कुछ ऐसा। वो रोटी लेकर आई, मैंने धन्यवाद किया, उस रोटी को भी खाया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर सुनो आगे, फिर वहां से निकला और कहीं और पर जाना था। वहां पे भी जब मैं पहुंचा तो वो भी चाय लेकर, मैंने धन्यवाद किया वहीं पे। शाम को फिर तीसरी जगह, वहां पे भी चाय लेकर आ गए, वहां पे भी धन्यवाद किया और पी ली। अरे मैं इतनी चाय पीता नहीं हूं, पर उस दिन मैंने इतनी चाय क्यों पी? पता क्यों पी? इसलिए मैंने ये इतनी चाय पी ली ताकि मैं उस बात के लिए जो बात मुझे मेरे मन को दोष लगा रही थी उसमें मैं अपने आप को पक्का स्ट्रांग करना चाहता था। समझ आ रही है? उसमें मैं स्ट्रांग करना चाहता था अपने आप को। इसलिए कहता तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर पड़। हाँ, ऐसे नहीं आज मुझे लूज मोशन है, मैं किसी के घर गया और मैं कैसे और सुनो किया जय मसीह दी, कैसे मुंह देखो कैसे नहीं समझे। अब मैं किसी के घर में, मुझे लूज मोशन है तो मैं बैठा हूं, घर वाले बोले जय मसीह जी, जय मसीह जी, कैसे ऐसे जय कहते। तुम्हारी कोमलता कुछ भी है, दूसरे लोग आपका चेहरा ऐसे होना चाहिए। समझ आ रही? और आगे कैसे लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थनाएं विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या किए जाएं? किसी भी बात की परमेश्वर कहते चिंता मत करो। कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं मगर वो चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते, विश्वास भी करते रहते और चिंता भी करते रहते। कहां से आए? आपको पता, मैं अपनी गवाही देता हूं, जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो बेबी मिस कैरेज हो गया और मैंने विश्वास किया, तो वो पैसे सारे मैंने परमेश्वर के दान में डाल दिए और उसके अलावा मेरे पास कोई भी 10 रुपए भी नहीं थे। क्या नहीं थे? 10 रुपए भी नहीं थे। अगर मैं ऐसी हालत में और मैंने किसी से नहीं मांगे, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे दो। अगर मैं ऐसी हालत में विश्वास कर सकता तो आप सोचो। समझ आ रही है? अभी कहता धन्यवाद के सहर जो तू प्रार्थना करता हो किसके सामने। परमेश्वर को नहीं पता तेरे पास खाने को नहीं, तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास नौकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, किसे नहीं पता। पर वो कहता किसी भी बात की चिंता मत कर। उसे नहीं पता आप बीमार हो, आपका बच्चा बीमार है, आप परेशान हो, उसे नहीं पता। हाँ, आपकी छत चोरी है, उसे नहीं पता। वो कहता किसी भी बात की चिंता मत कर, पर जो तू प्रार्थना ही करता है वो अगर करते हो फिर। इसलिए मैं कहता हूं ना, अब प्राइस क्या कर रहे हो अब? हाँ, आप परमेश्वर को क्या पे कर रहे हो पहले ये देखो। समझ आ रही है? और आगे लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या रखेगी? तब मतलब कंडीशन दी, जब तू ये ऊपर लिखी बातें पूरा करेगा, परमेश्वर कहता तब मेरी शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों में सुरक्षित रखेगी मसीह। कब? जब तू आनंदित रहेगा। क्या रहेगा?
और किसी भी बात की चिंता नहीं करेगा, तब मेरी शांति तेरे साथ रहेगी। अगर हम विश्वास कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं तो उसकी शांति आपके साथ कैसे रहेगी। और आगे देखो, आगे लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी है, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की हैं, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब, यहां पे भी कंडीशन दी, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कब आपके साथ रहेगा? जब आप किन बातों पर ध्यान करोगे तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। क्या रहेगा? तब मैंने कहा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कब? जब आप उसकी बातों पर, कौन सी बातों पर अपने ध्यान देना है, परमेश्वर का, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या रहूंगा? कब आपके साथ रहेगा? हाँ, कब आपके साथ रहेगा? कितनी बड़ी बात है ना, छोटी बात है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।